Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am gonna show you how to cook yummy delicious chicken spaghetti. तो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैंने अच्छे से वीडियो में दिखा दिया, आप लोग भी देख लो। इसके लिए हमें सॉल्ट चाहिए, अनियन, गार्लिक और जो मेयोनीज मैंने दिखाया वो चाहिए, सम रेड चिलीज, चिकन, फ्यू पीस ऑफ चिकन और जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है ये क्रेमिका का है, आप लोग इसे खरीद सकते हैं। तो पहले ही कढ़ाई में प्याज डाल दिया, तेल गरम होने के बाद प्याज डाल दिया और अगेन वन नोट गाइस, मैं एक हाथ से वीडियो करती हूँ और एक हाथ से कुकिंग, तो थोड़ा सा वीडियोग्राफी में गड़बड़ है तो आप मुझे माफ़ कर देना इस गड़बड़ी के लिए। तो पहले अच्छे से प्याज को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन करने के बाद मैं डाल दूँगी सारे गार्लिक्स और मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रही हूँ ताकि मेरे प्याज अच्छे से कुक्ड हो जाए और फिर अब मैं डालने जा रही हूँ मेरे गार्लिक्स। आई लव हैविंग गार्लिक, मुझे हर एक कुकिंग में गार्लिक डालने का मन करता है बट ऐसा नहीं हो सकता तो इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डाल दिया। अच्छा लगता है जब गार्लिक का अच्छा सा सेंट आता है तब खाना बहुत अच्छा बनता है अकॉर्डिंग टू मी। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, आप चाहो तो गार्लिक ना भी डाल सकते बट थोड़ा सा डाल देना। तो अब मैं डाल रही हूँ चिकन पीसेस, अब इनको अच्छे से मैं कुक कर लूँगी थोड़ी देर तक और सारे चिकन पीसेस मैंने डाल दिया। ये बहुत ही थोड़ा चिकन है, टू थ्री पीसेस था, ब्रेस्ट पीस था, ये टू थ्री मिनी पीसेस एक्चुअली, तो इतना ही अनफ है पूरा एक पैकेट ऑफ स्पेगेटी के लिए। मैं दिखाऊँगी आपको मैंने कितना कुक किया, बस इतना सा चिकन में ये काफ़ी टेस्टी बना था एंड मुझे मेरे मम्मी को बहुत पसंद आया, आप लोग को शायद से पसंद आ जाए, आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। और मुझे पता है गाइस ऐसे कढ़ाई में हम लोग को वुडन स्पून या आप जो भी बोलो ये यूज़ करना चाहिए बट मेरे घर में नहीं था अवेलेबल। अब मैं एक कुकिंग के लिए तो बाज़ार से जाकर ख़रीद के ला कर फिर कुकिंग नहीं कर सकती तो मैंने स्टील का ही यूज़ कर लिया एंड ऑलरेडी मैंने ख़रीद लिया है एक वुडन वाला। तो या अब मैं फ्लेम को मैंने दिखा दिया आप लोग कैसा रखना है और अब मैं उनको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अब मैं डाल दूँगी मेरे चिलीज़, रेड चिलीज़, आई लव चिली अगेन, लिटरली मुझे चिलीज़ काफ़ी पसंद है खाने में डालकर। ऐसे मैं जो लोग कच्चा खा जाते हैं वैसा नहीं खा पाती बट कुक्ड करके खाने में बहुत सही लगता है। तो चिलीज़ डालने के बाद अब मैं फिर से थोड़ा सा टाइम लेकर इन्हें कुक करूँगी और मैं अब डाल दूँगी सॉस, क्रेमिका का जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, ये एक्चुअली उसमें से ड्राई सॉस है तो मैं इसे डाल दूँगी और फिर डाल दूँगी मैं पानी, काफ़ी सारा पानी अच्छे से डालना है पानी और इसको मिला लेना है सॉस को अच्छी तरीके से इवनली मिला लेना है पानी में और इन्हें थोड़ा सा मैं कुक कर दूँगी। और थोड़ा सा पानी चाहिए तो मैं और थोड़ा सा पानी भी डालूँगी बिकॉज बहुत सारी स्पेगेटी है तो स्पेगेटी अच्छे से कुक्ड होने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, वरना इंग्रेडिएंट्स में पानी अगर कम हो गया तो इवनली सारे नूडल्स पर स्प्रेड नहीं होगा मसाला, तो इसीलिए मैंने थोड़ा और पानी डाला और फिर मैंने कुक होने के लिए टाइम दूँगी काफ़ी सारा। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो मैं जो ये एक टेस्ट मेकर दिया था उसे भी डाल दूँगी, ये जो मुझे स्पेगेटी के साथ ही मिला था, पता नहीं इसका टेस्ट मेकर थोड़ा सा भी आइडिया नहीं लगा बिकॉज ये पूरा ही फालतू है, इतना कम टेस्ट मेकर कौन देता है भाई, ना ही दो तो ही सही है। तो अब मैं डालने जा रही हूँ मेरे स्पेगेटीज़, मैं हाथ से ही डाल रही हूँ बिकॉज वरना गिर जाएगा, इधर उधर हो जाएगा और फिर मुझे सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा, सो इससे बेटर ज़्यादा नाटक ना करके हाथ से डाल दूँ। और फिर इन सब को मिक्स करने के बाद मैं डाल दूँगी मेयोनीज़ और ये है इसका एक्चुअल कलर और आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है और मैं आप लोगों को टेस्ट करके भी बताऊंगी कैसा है। मैं थोड़ी मेस्ड अप दिख रही हूँ, माफ़ कर देना गाइस बट यस ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, लिटरली मुझे फिर से वॉइस ओवर देते वक्त खाने का मन कर रहा है बट यार इतना नहीं खा सकती, बहुत ही फैटी फूड्स है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना और घर पर बनाकर ज़रूर से ट्राई करना। बाय बाय, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन।